हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशायद चैनल में। मैं मुशायद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है स्टडी 69,000 भर्ती में, दोस्तों कल उसकी वीडियो जारी हुई थी। उन्होंने खुद स्वयं तरीके से अपनी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाली थी। ठीक है दोस्तों, बच्चों हमें खुशी होती है जब कोई बच्चा कामयाब होता है, कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो उत्साह जनरेट होता है, उसके साथ मेहनत करने की और जज्बा पैदा होता है। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे कार्यों में सहयोग करिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। कोई अगर दिक्कत है, परेशानी आती है तो हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे आने वाला जो है EP SSSC एग्ज़ाम है, EP SSSC का PET एग्ज़ाम है। कौन सा एग्ज़ाम है दोस्तों? PET एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम पहली बार होने जा रहा है। इसमें क्या होगा, 5 नंबर का 15 नंबर की मैथ आएगी और 5 नंबर की इसमें रीजनिंग आएगी। तो हम आज 5 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट ये 1 होगा, इसके बाद में 2 होगा, इसके बाद 3, मतलब इसी तरीके से मैं डालता रहूँगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल लेता हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट वन। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर एलजेब्रा का क्वेश्चन है। 856 प्लस 167 होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर अपॉन 856 प्लस 167 ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है पहला। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1, दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें 2, तीसरा 3 और चौथा ऑप्शन इसमें 0। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें हम पहचान लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर ले लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, या इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है। और इसका ही नेगेटिव सेंस क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे कहते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सॉरी प्लस 2ab। ठीक, अगर मैं इन दोनों में अगर मैं इसको काट दूं, इसको अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2ab कैंसिल आउट हो जाएंगे जोड़ने पर, और क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर। यहाँ पर सेम मैंने माना a अगर 856 है और b जो है मेरा 167 है, तो इसकी जगह मैं रिप्लेस करके रख सकता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट a बराबर 856 एंड b बराबर 167। ठीक है, a मेरा क्या है 5856 है और जो b है मेरा क्या है 167 है। तो मुझे पता लग गया यहाँ 2a स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर हो गया। तो ऊपर अगर मेरा आएगा क्या, अगर मैं पूरा इस तरीके से सॉल्व करूँगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a मेरा ये है, b मेरा ये हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया, ऊपर आ गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्यों किया मैंने, ये इसलिए किया मैंने मान रखा है ए का मान ये है, तो इसको दो बार लिखा हुआ है तो मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ, ये भी मेरा दो बार लिखा है तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा तो आंसर मेरे का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ए बी में आपने चेंज कर दिया, सवाल तो ये था। दोस्तों मैंने क्या किया, इसको लेट कर लिया और ये फॉर्मूले थे डायरेक्ट ए और बी में, इसीलिए मैंने इसको ए और बी में चेंज कर दिया। ठीक है, अगर किसी को इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसके थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको उतार लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, आंसर नंबर बी हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं, आप लोग इसको पॉज करिए वीडियो, फिर उसको उतार लीजिए। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको जैसा सवाल है उसी के रूप में समझा दे रहा हूँ। ठीक, इसको समझते हैं। इसमें क्या हो गया, a का स्क्वायर, तो 856 का होल स्क्वायर प्लस 167 का होल स्क्वायर
प्लस 2867 इंटू इंटू 167। ये पूरा लिखने के बाद इसको लिखूंगा मैं 856 का होल स्क्वायर प्लस 167 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 856 इंटू 167। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा मेरा 856 का होल स्क्वायर प्लस 167 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर मैं अब इसको देखता हूँ, ये वाली पूरी संख्या मल्टीप्लाई में है, ये भी पूरी संख्या मल्टीप्लाई में, ये कट जाएगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 2856 का होल स्क्वायर 2167 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 856 का होल स्क्वायर प्लस 2167 का होल स्क्वायर अपॉन 856 का होल स्क्वायर प्लस 167 का होल स्क्वायर। ये पूरी, सॉरी दोस्तों, दो कॉमन आ जाएंगे, टू अगर कॉमन आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 856 का होल स्क्वायर प्लस 167 का होल स्क्वायर। नीचे आ जाएगा मेरा 856 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 67 का होल स्क्वायर। इसको काट दिया तो आंसर आ गया 2। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो इसे समझते हैं, इसे जानते हैं कि 856 का होल स्क्वायर 167 का होल स्क्वायर, ये आपस में कट रहे थे, इसीलिए मैंने इनको ए और बी मान लिया था, तभी हमारा यही आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे के सफ़र पे चलते हैं। ठीक है, आगे दूसरा सवाल देखते हैं, इसमें मैथ का ही है। अंडर रूट एक्स प्लस 238 इक्वल टू 374 का 4/5। तो मुझे किसका मान बताना है, एक्स स्क्वायर का मान बताना, सॉरी एक्स का मान बताना है। और ऑप्शन दिए हैं इसमें चार, पहला ऑप्शन है इसमें 2500, दूसरा ऑप्शन जो है इसमें 3025, सी ऑप्शन जो है वो 3600 और डी ऑप्शन जो है वो इसमें 6400 है। कितना है दोस्तों, 6400 है। तो इसे जानने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस 238 इक्वल टू 360 का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया 4/5, 4/5 का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, हमने बोर्ड मास में भी पढ़ा है। बोर्ड मास इसका मतलब बी ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं आगे। 5×7=35 होते हैं, या 5×7=35 होते हैं, बचा कितना, 10 होते हैं, 5×2=10 होते हैं। मल्टीप्लिकेशन मैं कर दूंगा इसकी, ये आ जाएगा 2238 और ये आ गया 4×2=4×7=28, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इधर ले गया तो क्या घट जाएगा, तो अंडर रूट एक्स बराबर 50 बचेगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा। कैसे, 288 में से ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा दोस्तों, तो 288 में से 238 घटाऊंगा तो 50 बचेंगे, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा। जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर हो गया, ए क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसको समझ लीजिए दोस्तों, इसी तरीके का पेपर आने वाला है, इसी तरीके के गणित के सवाल आने वाले हैं पीटी एग्ज़ाम में, ना ज़्यादा हाई आएंगे ना लो आएंगे, ठीक है, मीडियम क्लास के सवाल आने वाले हैं, इस चीज़ को समझ लेना आप लोग। तो दोबारा अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दे रहा, अंडर रूट एक्स ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इससे इसको डिवाइड कर दिया, कैसे, 4/5 के रूप में लिखा है, तो 5 से मैंने डिवाइड किया, 5×7=35, 5×2=10, 4 आ गया, इससे मल्टीप्लाई 288 आ गया, 288 इधर को मैं इधर लाया, इसको 50 आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया, 2500 हो गया। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ लेना है और ये हो गया। आगे करते हैं, आगे सवाल की तरफ, तीसरा सवाल कह रहा है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है, यदि उनका औसत 170 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ए और बी और सी, ये तीन संख्याएं मान ली दोस्तों मैंने, ए बी और सी तीन संख्याएं हैं, इनका औसत क्या है, इनका औसत है
औसत है 170। औसत होता क्या है दोस्तों, जितनी भी संख्याएं दी हैं उनका टोटल बटे उसकी संख्या। तो तीन संख्या दी हैं तो ए का मान कितना है, ए कह रहा है ये तीन गुनी है और ये एक है। सवाल पढ़ो, सवाल के तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, ठीक है। आगे कह रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या की चार गुनी है, तो ये चार गुनी। मैंने इसको बता दिया है जब अनुपात समानुपात पढ़ाया था, तो इसको किस तरीके से फिल करते हैं, यहाँ जो जगह रह जाती है दोस्तों उसमें एक, और यहाँ जो रह जाती है उसमें ये फिल कर देते हैं। इसके सामने ये फिल हो जाता है और इसके सामने ये तीन चौक बारह हो गया, चार एकम चार हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ऐड कर लिया, बारह दो बारह चार इसको ऐड कर लिया, तो कितना आ गया, बारह प्लस चार प्लस वन बटे थ्री बराबर 171। ठीक, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसको इस तरीके से रख लूँगा, बराबर कितना आ गया 170, 17 से डिवाइड कर दिया, 17 एकम 17, ये कितना आ गया, एक बराबर आ गया 30। एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 30 आ गई। जब एक की वैल्यू 30 आ गई तो मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 12, 12 की मल्टीप्लीकेशन मुझे 30 से कर देनी है, तो 12 दिए कितना हो गया 36, 360। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें चार ऑप्शन हैं दोस्तों, 120, 150, 120, दूसरा ऑप्शन है 150, तीसरा ऑप्शन है 360 और डी ऑप्शन है इसमें 300। तो आंसर क्या हो गया, 360, ये तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो को रोक कर इसे उतार लीजिए। प्रथम आठ अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि औसत से प्रथम आठ अभाज्य संख्या है। प्रथम अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो किसी से ना कटे, ठीक है। तो दो तीन पाँच सात सात ग्यारह, ठीक है, ग्यारह के बाद में तेरह, तो आठ चाहिए ना, तो ध्यान से देखना यहाँ पर आठ सत्रह और उन्नीस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ संख्याएं हो गई, इनका औसत पूछ रहा है। अभाज्य संख्या लेना है हमें, विषम संख्या नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। विषम संख्याएं वे होती हैं जो किससे कट जाती हैं दोस्तों, विषम संख्याएं वे होती हैं जो दो से नहीं कटती, ये ध्यान रखना है। जैसे कि हम ले लेते हैं नाइन, नाइन क्या है, तीन से तो कट जाती है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो विषम संख्या होगी, इस चीज़ को समझ लें। विषम अभाज्य संख्या का मतलब होता है किसी भी सिंगल डिजिट से ना कटे, ठीक है। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, कितनी संख्या है, और इसका ऑप्शन ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन जरूर लिखो, इसका है 4.5, दूसरा ऑप्शन है 9.625, तीसरा ऑप्शन है 7.8 और लास्ट ऑप्शन है 6.8, ठीक है। 2 + 3 और औसत में कैसे निकालते हैं, जितनी संख्याएं होती हैं उनका टोटल करते हैं, फिर उनको जितनी संख्या हैं उनके नंबर से डिवाइड कर देते हैं। आठ संख्या है, आठ ले लिया, आठ से डिवाइड कर दिया, तो हमने यहाँ पर संख्या क्या ले ली, ठीक है, 5, 10, 17, 17, 28, 28, 13, 48, 17, 58, 79, 77, 8, ठीक है। आठ से मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 8 × 72 होते हैं बच्चे 5, 8 × 48 पॉइंट लगेगा, ठीक है, 8 × 48 2.5 ये आएगा, ठीक है। अब मैंने कैसे पहचाना, मुझे इतना तो निकाल लिया था मैंने 9.6, तो 9.6 केवल एक में आ रहा था, यही आंसर हो गया, कौन सा हो गया, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, दोस्तों अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन करते हैं। 350 का 60% बराबर
350 का 60% बराबर x गुणा 15 हो तो x का मान है ये बता। तो a कितना हो गया 12, b कितना हो गया 14, c कितना हो गया 15 और d कितना हो गया 16। हमें इस चीज़ पर ध्यान से देखना, तो बड़ा ही इजी सवाल है। 350 लिखेंगे गुणा, का मतलब गुणा होता है, परसेंटेज जब हटता है नीचे 100 आ जाते हैं, ठीक है, इंटू एक्स इंटू 15, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो दोनों जीरो ख़त्म। जब दोनों जीरो समाप्त हो गए तो इससे देखता हूँ पावर सी कट जाएगा, 5 3 15, 5 7 35, ठीक है, 3 से काटो, 3 2 6, तो 7 2 14, तो 14 क्या हो गया, x का मान हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है छोटी मोटी, उसके बाद में इस तरीके भी दोस्तों PET में सवाल देखने को मिलेंगे। दूसरा इसमें GS का भी क्वेश्चन मिलेगा और सांख्यिकी मिलेगी 10 नंबर की। मैंने जो 15 नंबर आपको बताए हैं, बाकी जो चैप्टर थे उसमें से आएंगे 5 क्वेश्चन, बाकी सांख्यिकी आएगी 10 नंबर की, इसके भी नोट कर लेना, 15 नंबर की लगभग मैथ आएंगी। उसके आगे बढ़ते हैं हम रीजनिंग की तरफ, 5 क्वेश्चन हम रीजनिंग की लेते हैं, ठीक है। RST, पहला क्वेश्चन देखिए, RST बराबर 18 19 20, तो ये कह रहा है कि GHI का मान क्या होगा। इसने 4 ऑप्शन दे दिए, ए पहला ऑप्शन है इसमें 8 9 10, दूसरा ऑप्शन है इसमें 7 6 11, तीसरा ऑप्शन है इसमें 7 8 9, और डी ऑप्शन इसमें 7 8 10, 7 8 और 10, ठीक है दोस्तों। तो हम जानते हैं इसमें ये हो गया पहला सवाल, तो 18 आर की वैल्यू 18 हो गई, एस की 19 हो गई और इसकी 20 हो गई, तो हम GHI निकालते हैं, तो जी की वैल्यू कितनी हो गई, जी की 7 हो गई, एच की 8 हो गई और की 9 हो गई, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस चीज़ को भी समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, वो किसका है, कैलेंडर का है। इसमें कुछ नहीं है, इसकी प्लेस वैल्यू दे दी, जितने पे ये स्टैंड करता है आता है, ठीक है, ये उसी की वैल्यू है स्वयं की। आगे हम कैलेंडर का सवाल देखते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन प्रश्न देखते हैं। सवाल कह रहा है, शुक्रवार को गणतंत्र दिवस अवसर पर छुट्टी थी, गणतंत्र दिवस दोस्तों 26 जनवरी का होता है, कब होता है दोस्तों, 26 जनवरी, और उस दिन क्या था, शुक्रवार था, ठीक है। आगे कह रहा है कि अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, तो 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं, इसको ओवरव्यू समझ लेते हैं कि गणतंत्र दिवस को शुक्रवार है, तो अगले महीने में 15 तारीख को भी छुट्टी है, तो उस दिन कौन सा दिन होगा, तो मतलब मैं 15 फरवरी समझूँ अगले महीने में, भाई गणतंत्र दिवस की बात कर रहा था, गणतंत्र दिवस कब होता है, गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, कब होता है, गणतंत्र दिवस कब होता है, 26 जनवरी को होता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है, उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार था, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो इसे समझने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं इसमें कितने दिन हैं, 5 दिन चल रहे हैं अभी, 5 दिन भाई, जनवरी से फरवरी की तरफ जाएंगे तो 5 दिन वो, और 15 फरवरी यानी कि 15 दिन इसमें बटे 7, तो कितना हो गया, ऑड डे निकालते हैं, विषम दिन निकालते हैं टोटल दिनों में से, तो हमने जाना कि 15 4 20 होते हैं, 7 2 14 होते हैं, ठीक है, 14 7 2 14, तो कितना शेष बच गए, 6 शेष बचे, कितने शेष बचे, 6 शेष बचे, जब 6 दिन शुक्रवार में जोड़ दो, 6 दिन शुक्रवार में जोड़ दो, या एक दिन माइनस कर दो, क्योंकि हमें ये कंप्लीट करना होता है केवल 7 डेज कंप्लीट करने होते हैं, तो हम इसमें 6 दिन जोड़ देंगे, शुक्रवार में 6 दिन जोड़ूंगा तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार, एक दिन मैं माइनस कर दूंगा तो भी क्या आएगा, बृहस्पतिवार, इस चीज़ को ध्यान रखना है,
बृहस्पति बार। तो ये था कैलेंडर का सवाल, रीजनिंग में आया हुआ है। ठीक है, रीजनिंग में आगे देखते हैं अगला। ठीक है, ये कह रहा है सीस्मो, एक क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, सीस्मो सीस्मो। ठीक है, ये सीस्मो कह रहा है, सीस्मो कह रहा है टी ई जे एम ओ, टी ई जे एम ओ, जे एन ओ, सॉरी एम नहीं है एन, एन ओ, मतलब इसका जो कोड है वो क्या है, ये है। तो ई ए आर टी एच डी का कोड क्या होगा, ई ई ए आर टी एच डी का कोड क्या होगा। इसमें भी चार ऑप्शन दिए हैं इसने, पहला है फॉस्टेड, बी जो है, बी है इसमें ई बी आर यू एच डी। ठीक है, उठा लेता हूँ, ई बी आर यू एच डी। सी है इसमें ई बी टी ए एस एन, और डी जो है इसमें वो है ई आर डी एच डी। ठीक है, तो हम जानते हैं इसमें कोड क्या किया है। इसमें सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग में नंबर याद होने चाहिए अल्फ़ाबेट के, ए का 1 होता है, जैसे बी का 2 होता है, उसी तरीके से एस का 19 होता है, सेम उसी तरीके से याद करने हैं जेड तक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 19, ये 5, ये 9, ये 19, ये 14, सॉरी 13, और ये 15 पर आता है। तो सेम कोडिंग कर रहा है जो सामने वाली की दी है, उसी तरीके 5, ये 10, ये कितना हो गया 14, ये कितना आ गया 15, या 15 आ गया। तो हम इसको जानते हैं, ये 19 से 20 हो गया, इसका मतलब एक बढ़ गया, ये 5 से 5 रह गया, दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं हुआ है, तीसरे वाले में 19 का, सॉरी ये गलत लिख गया है यहाँ पर, एक मिनट देखने दो, एस है बीच में, क्या है एस और है। ठीक है, ये 19 का 19 रहा, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया। तो हम जानते हैं यहाँ पर 19 का 19 रहा, एम 13 था, 14 हो गया, 15 का 15 रहा। तो एक डिजिट में वृद्धि हो रही है एक की, और बाकी में एक में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो देखो ये चेंज नहीं हो रहा ई में, सेकंड पहले वाले में चेंज हुआ है, इसका मतलब 5 है तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, ये हो गया एफ। ठीक है, ये एक है तो कितना हो जाएगा ए रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 18 है, इसका हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा 19। ठीक है, और ये 20 है, 20 का कितना हो जाएगा 21 यू, सॉरी ये चेंज ही नहीं होगा, एक ही चेंज हो रहा। और ये 8 है, और ये 4, 8 का 9 हो जाएगा। ठीक है, डी ऐसे ही रहेगा। तो फॉस्टेड इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिना सोचे समझे इसको लगा देना है। अगला है, अगला जो सवाल है वो ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, किससे है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से है। इसको आप लोग वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए आराम से। अभी इस प्रश्न देखते हैं ब्लड रिलेशन का है दोस्तों। ठीक है, अनु बाली की बहन है, कोमबाली की माँ है, कोमल बाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता है, या दीनू की माँ है। तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है, और ये भी क्वेश्चन इस तरह है, ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो अनु बाली की बहन है, तो सबसे पहले अनु किसकी बहन है, बाली की, बाली लिख दिया हमने, अनु बहन किसकी है, बाली की, ये सिस्टर है तो ये लड़की बन गई। ठीक है, कोमल बाली की माँ है, कोमल बाली की कौन है, माँ है तो ऊपर बनेगी। ठीक है, दीनू कोमल का पिता है, तो दीनू कौन हो गया, इसका पिता हो गया। ठीक है, पिता हो गया, तो ईयान दीनू की माँ है, दी इसकी भी माँ कौन है, ईयान है। तो ठीक है, चित्र और इस तरीके से बनाता हूँ, ये हो गया अनु, और अनु बाली की कौन हो गई, बहन, बाली के पिता हो गए कोमल। ठीक है, कोमल के पिता दीनू, और दीनू की माँ कौन हो गई, ईयान। तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है, अनु ये लड़की है,
ठीक है, इससे कैसे संबंधित है? भाई ये लड़की है और इसकी बहन है बाली की, इसके ये पिताजी हैं, पिताजी के सॉरी माँ है, माँ के ये पिताजी हैं, तो ये कौन हुई? तो दोस्तों ये कौन हो गई? ये इसका भाई भी होगा या बहन भी होगी, तो इसके दादाजी हुए तो इसके भी दादाजी हुए, जब इसके दादाजी हुए तो इसकी कौन हो गई? ये पोती हो गई या पोतिन हो गई, ठीक है। आंसर क्या हो गया? पोता। तो ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। आज हमने 5 क्वेश्चन किए हैं मैथ के, 5 ही क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में ये सेट के बाद में आगे भी हम इसी तरीके से इसको करते रहेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।